हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल व्यूअर टेक्निकल में। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब के थंबनेल कैसे बनाते हैं। अगर आप यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो, तो आपको जानना ज़रूरी है कि यूट्यूब के थंबनेल कैसे बनाते हैं, कैसे उस थंबनेल को हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं, उसे अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, और जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि लोगों का उस पे ऊपर ध्यान जाए और आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक हो। तो इस वीडियो में वो सभी बातें मैं बताऊँगा कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करें। तो ये जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे हम थंबनेल बनाने वाले, तो ये प्ले स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा। आपको सर्च करना है लोगो मेकर, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। हम इस ऐप को ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद ये सबसे पहले पूछेगा क्रिएट न्यू के बारे में। तो क्रिएट न्यू के क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको लोगो बनाना है, या फिर यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो लेकिन हमको जो है यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो हम यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, इसे बच्चा भी कर लेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कीजिए। तो फिर आपको क्लिक करना है कैमरे के ऊपर, और फिर क्लिक करना है ऐड पिक्चर के ऊपर। फिर जाना है आपको गैलरी के अंदर, और गैलरी में से आपको जो भी फ़ोटो पसंद है आपको थंबनेल के लिए, जो आप बनाना चाहते हो, तो उसे ऐड कर लेना सिंपली। तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, आज हम इसका थंबनेल बनाएंगे। फ़ोटो को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, करीब यहाँ तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने पीछे का बैकग्राउंड जो है इरेज कर दिया है। अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड इरेज करना है, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इरेज। ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो जिससे कि ये पीछे का बैकग्राउंड आप इरेज कर दोगे। ये ऐप भी वो काम करता है, आपका बैकग्राउंड इरेज करता है, लेकिन ये सब प्रोसेस होने के बाद ये फ़ोटो, अगर आप फ़ोटो थंबनेल वगैरह इस पर बना रहे हो, तो फिर बाद में आखिरी में एक ऑप्शन आता है PNG करके, तो उसमें वो बैकग्राउंड जो है इरेज हो जाता है। लेकिन वो बहुत लास्ट की स्टेप है, तो वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तब सबसे पहले थंबनेल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमें अभी प्रोडक्ट ऐड करना है, और इसे ऐड पिक्चर पे फिर से क्लिक करेंगे, और ये जो बोया का माइक है हम इसे ऐड करेंगे। तो इसका भी मैंने जो है बैकग्राउंड जो है इरेज कर दिया था पहले से ही, तो इसे हम कंप्रेस कर देते हैं, और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे बीचों बीच, मेरे इन दो हाथों के बीच। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एकदम प्रॉपर तरीके से बीच में लग गया है। तो इसके बाद हम पीछे का जो बैकग्राउंड है, इस पर भी हम कलर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कलर ऐड करके। तो जिसे आपको इस बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है, जैसे कि रेड, वाइट, ब्लैक, और आपको जो भी कलर बैकग्राउंड में चाहिए आप वो रख सकते हो। तो अभी हम वाइट ही रखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, इस थंबनेल में जो मज़ा भी नहीं आ रहा है। इस माइक का जो है नाम यहाँ पे लिख देंगे, तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इस टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ बोया। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कौन से भी इस पर क्लिक करके आप वो रख सकते हो। तो जैसा कि मैं ये रखता हूँ, अगर आपको इसको परफेक्टली यहाँ पे लगाना है लाइन करके एकदम ही परफेक्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट स्नैप, तो इस पर क्लिक कर देना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी इसे एकदम परफेक्ट लगा देगा आपको जहाँ पे लगता है वहाँ पे। तो आपको ये परफेक्टली बताएगा कि ये किस पोजीशन पे अच्छा लगेगा, किस पोजीशन पे लगेगी, किसका किस जगह पे ये परफेक्ट है, तो ये सब चीज़ें आपको बताएगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि परफेक्ट है, और इससे आप साइज़ कम बड़ा कर सकते हो। और अब कलर सिलेक्ट कर लेंगे हम, कर देंगे इसका कलर ब्लैक। ये कलर तो ब्लैक कर दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसे रोटेट कर सकते हो, अलग अलग शेप में आप इसे लगा सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 3D वगैरह, और इसे रोटेट भी कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसे मैं 3D कर देता हूँ, तो इसे भी आप ऐसा कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। ये भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि जिस टेक्चर की जो आउटलाइन है, इसे हम कलर कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ब्लैक है, तो इसे हम रेड पर कर देते हैं, और आप जैसा चाहते हो वैसा बॉर्डर जो है कलर कर सकते हो। तो हमको इतना ही चाहिए, या फिर इतना, बस इतना काफ़ी है। एक और बात अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा है ऐड लोगो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप, मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे एरो, आर्ट, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी ये ऑल वे, तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन दिख जाएंगे। तो वैसे के लिए ये लोगोज़ है जो आप अपने थंबनेल में ऐड कर सकते हो। आपके थंबनेल किस चीज़ के अकॉर्डिंग है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें से एक लोगो उठा के उस पर डाल सकते हो। और हमारा जो थंबनेल है वो सोशल मीडिया के रिलेटेड है, तो हम सोशल मीडिया का एक लोगो इसमें डाल देते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब का यहाँ पे लोगो है, तो इसे कंप्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। तो काफ़ी शानदार दिख रहा है ये थंबनेल। तो इसी प्रकार से आप थंबनेल बना सकते हो। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है दो, तो इसके थ्रू आप अपने चाहे उतने रिजोल्यूशन में अपना थंबनेल जो है सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर आप PNG में इस थंबनेल को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है PNG, तो इसकी वजह से आपका पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चला जाएगा, इरेज हो जाएगा और जो है PNG में सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थंबनेल कि आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा थंबनेल बन चुका है। क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है, अगर आप जितने चाहे उतने रिजोल्यूशन पे इस थंबनेल को सेव कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही आसान है यूट्यूब का थंबनेल बनाना, और इतने छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी एकदम सिंपल तरीके से। तो बस इतना ही था आज की वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करो। जय हिंद।